मैंने अच्छा यस क्लास 10th हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर का आज हमारा लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ लिया, उसकी रीडिस्कवरी के बारे में पढ़ा, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा हमने। इसके तीनों लॉज आपको याद रखने हैं अच्छे से, उसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप बनाओगे तो वो बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। तीनों लॉज आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया, बैक क्रॉस में से टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस पढ़ लिया, और रेसिप्रोकल क्रॉस मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें देखो जैसे अगर ये टी टी और ये टी टी, इसमें हमने इसको मेल लिया है और इसको फीमेल लिया है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम क्रॉस कराएंगे तो टी टी और टी टी, ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे? फीमेल, और इसको हम क्या ले लेंगे? मेल। ठीक है, अगर हम उसके ठीक है चेंज कर देते हैं इसके सेक्स को, तो क्या क्या कहलाएगा? ये रेसिप्रोकल टेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भैया हमने इतना जो पढ़ा है इनके क्या इम्पोर्टेंस है? कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो हो गई ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट करेक्टर। इससे हमें क्या पता जाएगा? डोमिनेंट करेक्टर का हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बेटा? डोमिनेंट करेक्टर कौन से हैं? ठीक है, और हार्मफुल जीन कौन से हैं? ठीक है, या हार्मफुल जीन या रिसेसिव जीन कौन से हैं, ये हमें पता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ के हमें डोमिनेंट करेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, कि हार्मफुल जीन्स या रिसेसिव जीन कौन से हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि रिसेसिव जीन्स, डोमिनेंट जीन्स की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन्स अपना करेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, जो जीन का कंसेप्ट है, ठीक है, वो जीन का कंसेप्ट हमें किससे पता चला है? ठीक है, जीन कंसेप्ट, जो जीन का कंसेप्ट है वो हमें मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चला है। किससे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये पूछा जा सकता है कि जीन का कंसेप्ट मेंडल के कौन से लॉ से पता चला? तो आपको यह रखना है बेटा कि जीन का कंसेप्ट हमें पता चला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। किससे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। कैसे पता चला? देखो, हम ऐसे ले रहे थे टी टी, उसकी हमने सेकेंड जनरेशन बनाई थी। ठीक है, हमने इसकी सेकेंड जनरेशन, तो हमें फर्स्ट जनरेशन में तो सारे प्लांट मिले थे, फिर हमने इसकी सेकेंड जनरेशन बनाई थी, तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट हो रहे थे। तो जो जीन्स का कंसेप्ट है वो हमें किससे पता चला बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो याद रखना है हमें जीन का कंसेप्ट मेंडल के कौन से लॉ से पता चलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। और हमें क्या पता चला? देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमें पता चला है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैव टू एलील एंड दे कंट्रोल टू करेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक है ना, हमें ये भी पता चला कि प्रत्येक जीन में कितने एलील होते हैं? टू एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं बेटा? टू एलील होते हैं, और दोनों एलील्स होते हैं, ये दोनों एलील अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो एक तो हमें पता चला, देखो, डोमिनेंट करेक्टर कौन से हो जाएंगे, रिसेसिव करेक्टर कौन से हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, हमने जीन कंसेप्ट के बारे में हमें पता चला, कौन से लोग के द्वारा पता चला हमें? हमें पता चला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू हमने जीन कंसेप्ट को पता कर लिया। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जीन के टू एलील होते हैं, प्रत्येक जीन के कितने होते हैं? टू एलील होते हैं, जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इसी इसके लॉ से तीन बातें पता चल गई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट द न्यू करेक्टर डेवलप बाई हाइब्रिड हाइब्रिड ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, हम हाइब्रिड के द्वारा क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, अलग अलग प्लांट्स को यूज करके, ठीक है, हाइब्रिड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नए करेक्टर को, न्यू करेक्टर डेवलप कर सकते हैं। न्यू करेक्टर्स का डेवलपमेंट
किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन करवा के, क्रॉस पोलिनेशन करवा के हम क्या कर देंगे, न्यू करेक्टर का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, देखो हम कर सकते हैं भैया, यूजफुल जो करेक्टर हैं, ठीक है, सेम स्पीसी, बहुत सारे यूजफुल करेक्टर को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और जो हार्मफुल करेक्टर है उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एक तो जो अच्छे करेक्टर हैं, ठीक है, यूजफुल करेक्टर हैं, यूजफुल करेक्टर को डेवलप करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेवलप, जैसे किसी प्लांट में अच्छे करेक्टर हैं तो उसके जीन्स हम किसी दूसरे प्लांट में यूज़ करके उसके करेक्टर को, यूजफुल करेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया कि ये हार्मफुल करेक्टर है तो उनको रिमूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हार्मफुल करेक्टर्स को के जो जीन्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसी के द्वारा हम ऐसे डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को प्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, हाई यील्डिंग प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसको यूज़ में ले सकते हैं, किसमें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट का मतलब क्या हो गया, ऐसे प्लांट हम प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर देंगे जिससे क्या हो, उन प्लांट में डिजीज लगे ही नहीं, वो प्लांट ही खुद इतना कैपेबल हो जाए कि वो डिजीज से लड़ ले, हमें एक्स्ट्रा कोई केमिकल्स या दवाई की यूज़ नहीं करना पड़े, वो प्लांट में ही इतनी कैपेसिटी आ जाए कि वो डिजीज से फाइट कर सके। हाई यील्डिंग प्लांट, हम ऐसे प्लांट को ग्रोथ करवा सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोडक्ट मात्रा, जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में हो। क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम करा सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, कम वाटर में ग्रोथ करने वाले प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे इसके यूज़ हैं हमें याद रखना है, तो एक तो मेनली आपको याद रखना है कि इसमें कौन से डोमिनेंट करेक्टर है या रिसेसिव करेक्टर है वो पता चल जाएगा। दूसरा हमें याद रखना है कि जीन्स कंसेप्ट का हमें पता चला, तो जीन कंसेप्ट का पता चला वो हमें मेंडल के कौन से लॉ से पता चला बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चला। अगर आपको पूछ ले कि प्रत्येक जीन्स के दो एलील होते हैं, ठीक है, और दोनों एलील्स होते हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो वो जीन जो जीन में दो एलील होते हैं वो भी किससे पता चला, हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चला। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना, और यूजफुल करेक्टर को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्मफुल जो करेक्टर है उनको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स के इसके इम्पोर्टेंट है वो हमें याद करने हैं। अब एक जो नया टर्म है वो याद रख लो, यूजेनिक क्या होता है, यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक्स क्या होता है, ठीक है, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है जो रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। देखो ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की क्या है, ब्रांच है, ठीक है, जिसमें स्टडी की जाती है, किसकी स्टडी की जाती है कि यार ह्यूमंस के लिए क्या डेवलपमेंट किया जाए, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन रेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, मतलब ह्यूमन प्रजाति के लिए कैसे हम जैसे हमारे अंदर ही ऐसे क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, अगर प्रॉपरली ह्यूमंस के लिए अगर स्टडी करना है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, उसकी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, वो कैसे डिजीज से फाइट कर सकता है, उसको कैसे जेनेटिक डिजीज से बाहर रिकवर किया जा सकता है, ठीक है ना, तो वो स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोला जाता है, यूजेनिक्स। और ये जो स्टडी है यूजेनिक्स, ये सारी की सारी मेंडल्स के लॉ पर डिपेंड करती है, किस पर, मेंडल्स के लॉ पर डिपेंड करती है। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उसमें आप ज़रूर मैसेज सेंड करें, आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछें, ठीक है, आप पढ़ोगे तो ही आपके कोई प्रॉब्लम आएगी, और आपको अगर आप हमसे पूछोगे तो ही हमें पता चलेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। थैंक यू वेरी मच।